अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 8 के कुछ लेक्चर जो है फ्लोर नंबर 6 के वो लास्ट लेक्चर में हो गए थे फ्लोर नंबर 5 के साथ ही, तो आज हम प्रॉब्लम से शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल। आप सिलेबस में जो न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, उसके मुताबिक 8.3 है, 8.4 है, 8.7 है और 8.8 है। 8.3 में वो लेंथ देता है हमें किसी रॉड की 2 मीटर है और उसका पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे केल्विन में करेंगे, याद रखना। तो केल्विन उसमें सबमिट करते होते हैं, इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि 0 + 273 = 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। केल्विन आपने इसमें नंबर कर रहे हैं। तो दूसरा टेम्परेचर उसने हमें दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 में हम फिर 273 प्लस करेंगे तो 293 केल्विन आ जाएगा और अल्फा की कीमत उसने हमें दी है 2.5 × 10⁻⁵ पर केल्विन। डेल्टा है चेंज इन लेंथ मालूम करवाना चाहता है आपसे। आपके पास फार्मूला चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट इनटू T2 − T1। अब वैल्यू पुट करेंगे आपके पास, यानी इसका अल्फा की कीमत पुट करेंगे, लेंथ की कीमत पुट करेंगे, टेम्परेचर में फर्क लेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.01 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में चलेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ 8.4 में हमें जो इब्तदाई वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम, वो 1.2 मीटर क्यूब देता है। टेम्परेचर उसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें हम केल्विन जमा करेंगे तो 288 आ जाएगा। और दूसरा टेम्परेचर वो देता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 में हम केल्विन का टेम्परेचर जमा करेंगे तो 313 केल्विन आ जाएगा। और बीटा की कीमत उसने दी हुई है, वॉल्यूम V मालूम करवाना चाहता है, ठीक है। V फार्मूला आपके पास V इज इक्वल टू वी नॉट इनटू 1 प्लस डेल्टा डेल्टा T, और डेल्टा T आपने यहां पे निकाल लेना है, यहां पे लिख लें डेल्टा T मतलब 313 − 288 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 केल्विन, ठीक है। तो आप मैंने डेल्टा T की डेल्टा वैल्यू निकाल दी 25, इस तरह लिखिए 25 को आप 3.6 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 1 करने के बाद आप इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, तो आपके पास जवाब आएगा 1.3 मीटर क्यूब। 8.7 में अमाउंट ऑफ हीट हमें बताता है कितनी है और हीट ऑफ फील्ड बताता है कितनी है, ठीक है। और आप मैस मालूम करवाना चाहते हैं, आप जानते हैं m इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा q ओवर hf, और आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा kg में, और उसको ग्राम में ले जाएंगे तो फिर आपके पास 150 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8.8 में गौर से सुनने वाला कि इसमें मैस उसने हमें दिया है 100 ग्राम, इसको kg में करेंगे 0.1 kg आ जाएगा। और C की वैल्यू हमें खुद से याद रखनी है, हीट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। ये 2100 जूल होती है, ठीक है। और टेम्परेचर उसने दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में है, ये हम फर्क लेंगे तो ये प्लस में वैल्यू जो होती है, जब हम करते हैं ना ये 0 − −10 करेंगे, ये -10 था 0 − −10 चेंज टेम्परेचर जो आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा, ठीक है। इसको आप उसमें मल्टीप्लाई करके आपको बस जवाब आ जाएगा। इसी तरह हीट ऑफ फ्यूजन में, हीट ऑफ फ्यूजन भी आपको पानी की याद होनी चाहिए कितनी होती है, वो ये वैल्यू दी हुई है, इसको आप मैथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। इसी तरह वाटर को जब आप दोबारा एवेपोरेट करेंगे तो उस वक्त आपके पास एवेपोरेशन में C की वैल्यू, यहाँ पे ये आइस की वैल्यू थी और ये पानी की है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और ये वैल्यू लगाएंगे आपके पास ठीक आ जाएगी। और टोटल हीट आपको निकालनी है सब जितना कि 1 को 2 को 3 को प्लस करेंगे आपके पास टोटल हीट आ जाएगी, ठीक है। विचार मैंने कर दिया आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, इसको भी देखिएगा।